यह कहानी ग्राम चकपिहानी एवं सरई खैलावा जिला संत कबीर नगर की है। यहाँ पिछले दो महीने से लगभग 200 लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। मैं माधुरी चौहान और ये मेरा समुदाय। बाढ़ की वजह से बहन जी हमें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों का घर भी गिर गया है। हम लोग की बीमारी ज़्यादा फैल गई है। हम लोगों को खाने पीने की हर व्यवस्था में परेशानी हो गई है। हम लोगों का फसल सब बह गया है। हम लोगों के अनेकों प्रकार की परेशानी आ गई है। बेरोजगारी हो लग गए हैं, लोग कैसे खाएं पिए। बाढ़ आई लाल घर द्वार गिर गए, जब खेत बारी ना आई वो जोत मिलल कहाँ से लड़के खाई राशन पताई। कमाई ना आई हो तो बाढ़ कुल ओर से भरल बे, तब मजूरी धतूरी कुछ चलता ना आई कहाँ से आखिर के खाई। बाढ़ की वजह से कितना नुकसान हुआ है बहनी? 10 गोरा गेहूँ नुकसान हुआ, और तक भूसा घासा जौन चाउर चूरा जौन रहा सब सड़ गए। साहब देखिए कैमरे के सामने तो सारा पानी उतर है। फिलहाल ये तो छिपाए वाली बात नहीं बा कि मैंने पानी नहीं भरल बा। साहब सुबह SDM हो चाहे DM हो, लेखपाल हो चाहे तहसीलदार हो, आई हैं इंक्वायरी करके चल जाइए, कहीं कुछ नहीं भेल। जो भी आया सड़क पर आया, गाड़ी से उतरा, चाय पिया और चला गया। क्योंकि हमारे गांव में भी कुछ लोग ऐसे बड़े लोग हैं जो हमारे गाँव का गरीबों का विकास होने ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी हैं कि अपना पेट पाले हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। DM के वहाँ कल तहसील दिवस में गए थे, वहाँ भी हम लोगों को आश्वासन देकर भेज दिए चलिए अभी कोई जा रहा है, आज तक कोई नहीं आया यहाँ। हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि ग्राम चपियाने एवं सरही खलीला जिला संत कबीर नगर के लोगों, बाढ़ से पीड़ित लोगों को उपचार के लिए डॉक्टर, रहने के लिए आवास और पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाए। इस वीडियो को देखने वाले सभी श्रोताओं से मेरी ये अपील है कि यहाँ के SDM का नंबर 9454415925 है, इस पर कॉल कर उन पर दबाव डालकर मेरी मदद करें। मैं माधुरी चौहान खैलावा जिला संत कबीर नगर इंडिया अनहट के लिए।